हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक थीमेटिक थीम लेके, तो जैसे सीजन मौसम वो एक फोकलोर इतना सारे है इसका गाना क्या, उसके बाद आपका ये रिचुअल जो हम लोग एक किताब बनाए, वो किताब रचयिता आप लोग ही होंगे, लेकिन वो किताब हर आर्टिस्ट का पास पहुंचा देना हमारा रिस्पॉन्स। जो बच्ची की शादी के लिए वही लगना, वही मांगना, वही रीति रस्म है, ये अभी हमारे गाने और इन लोगों के गाने हर पल पल में गाने हर जगह गाने हैं। बच्ची को पार करना है तो गाना, बच्ची को निकाह हो गई गाना, बच्ची को विदा हो रवाना कर रहे हैं तो गाना, बच्ची के लिए मामेरे वाले आ गए, उनके मामा जो होता है मामा उनके परिवार में से गहना लेने वाला गाय देते हैं तो वहाँ भी गाना गाना गाते हैं। अच्छा बराग वाले और बच्ची वाले सब शामिल होकर बैठ गए, उनका उनको अभी जो बिगड़ गया उनको कहते हैं दहेज, तो उससे भी गाना अब वो गाना है वहाँ, जैसे बच्ची को पार गया अब मामला आ गया उसी नारी मोगे रोड़ी का लाया कुछ लोग हंदिया कहते हैं, कुछ लोग गाठे कहते हैं, कुछ लोग तारीख कहते हैं। जिस तारीख की शादी मुकर हो जाती है बच्ची की, उस समय में उनके पूरा परिवार मिलकर उनकी शादी की तारीख तो तय करते ही हैं, फिर उनकी चाची है, मौसी है, बड़ी माँ है, उनके परिवार में से एक एक दिन उस बच्चे को अपने घर ले जाते हैं और उनको खाना देते हैं। उसी आधार पर यही गाने हैं कि बेटा तुम हमारी बहुत लाडली है, हमारे गांव से विदा होने जा। विदा होने जा रही है तो ऐसे गाने हैं जो उन बच्ची के लिए गाए जा रहे हैं। मैं भी शुभ का मैं भी दीदी जावे या तीर या छत्र शादी मुरादी होवे उधर मैं भी सदाए जाओ मैं भी शुभ कैसे कही जाती है के स्वागत के लिए स्वागत स्त्री होती है या छोटी भाई होती है उनके खुशी के वास्ते वो मेहंदी दी जाती है, शादी में भी दी जाती है मेहंदी, हमारी जो ईद आती है उसमें भी दी जाती है मेहंदी, और तीज का त्यौहार आता है तो मेहंदी दी जाती है, तो मेहंदी गाई भी जाती है। अब लोग अलग अलग प्रकार में मेहंदी गाते हैं, जैसे मैं धीरे बारी मान ले जिन तूरा गया रे गुजरात मैं भी और बुलाई हमारे सारे जीवन हमारे भंडार के सारे जो गुलाब तुम्हें कब में नहीं लगाते उसके लिए अब उसके लिए शहर आ जाते हैं वो हमारे संधि भाषा में उसमें गाते हैं लख लख बधाई
ओ संजो पाड़ो दीनो लख लख वरायो ओ संजो पाड़ो दीनो आए अला सदके वंजा जो कहनी ला आए अला सदके वंजा जो कहनी ला ओ जा रहे हैं
आप जो जोर खान संग सुनाए सूर वीरों के देवी देवताओं के, तो हम अभी जो गा रहे हैं लगा और भरिया बुजुर्ग कलाकार यंग भी है हम साथ में, तो वो हम गा रहे हैं आज अब्दुल कादर जिलानी। वो कविता करता तो उसको बोलते हैं फिंगर, पढ़ा लिखा जो होता है ना उसको बोलते हैं फिंगर। अरे एक फिंगर पहले जिसे पृथ्वी बनी वहां एक कवि भी हुआ था उसका भी वर्णन है वो पटेल का नाम फिंगर है। आज डिंगल कहते हैं जो डिंगल कविता हम लोग क्या अनपढ़ लोग जो होते हैं ना वो सुश्रुति के हिसाब से बोलते उनको कहते हैं फिंगर। प्रथम मंत्र चांद्रे में देवी का मूल मंदिर वाई तो जैसलमेर 1212 में तैयार हो और मालर देवी 600-700 लगभग समुद्र 600-700 कई प्रकार के पर्चे दिए। राजा मुल्ला जी को पर्चा दिया, बेगसा जी को पर्चा दिया, गसिंह को पर्चा दिया, जैसलमेर दरबार जैसे अमनकोट राणा सोडा सुल्तान उनको भी पर्चा दिया। आराधना छोड़ेगी श्री आई करो उपकार महाराणा बचायो मछरी न आनंद करे अपार। आराधना छोड़ेगी श्री अर्जुन ने प्रार्थना हिलो मेरो हिलो समर्पण। आराधना छोड़ेगी श्री आई करो उपकार महाराणा बचायो मछरी न आनंद करे अपार। करनी माता का शिरदा बारह हमारे साथ सभी लोग आएंगे। तो राजा नल जी के यहाँ फुगड़ में अकाल पड़ गया। नरवर कोट चले गए, वहां जाके एक दो तीन महीना तक रहे। जब दूसरे राजा में गर्भ हुआ जबकि ये बात हुई उसके पेट में मारू और उसके पेट में भोला। चौपड़ पास डालते समय संपूर्ण हो गए और फुगड़ में बहुत अच्छी फसल हुई। अब उसको जमाना बोलते जमाना है वो वापस आ गए और उसको और एक लड़की हुई उसका नाम था तारू। तारू तो बातों करते बेड़ा लागे बातों रात्रि जागते जेज जी लागे सिकंदर रात होरा लाग रहा है मोर पपैया बोल रहा है क्या रहा मीठा चीड़ का खावे खा रहा शादी करी तो मारू रथ फेरा हो गया उठे
नरवर कोड जरूरी बिहारी बात करी जग बाबा दादा रा बाबा राजा भोजरी सभा कचड़े गाय में अब तरुरी बिहारी बात चली जिन मारू को हूं 3 साल मोटी हूं आप तो होले भरी हूं 17-18-19 भरी हूं मारी शादी की बात आई नहीं हां कोई बात है तो मारू मन में बात रही कर दे मेरो ठाड़ी दम 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 ऊंची जात चढ़ होती है भाईया पाठवान हमें तो है मारू मन में विचार करे भैया की बात है पापो सार माता जी माए पिया की बात करे नहीं बात तरुणी पिया नहीं करे रीड़े हो रहा हमारे बाकी तो आ होती पई है कुरजो बोले तो कुरजो ने की तो मारू के की दादा होने अरुण के बाबा अगर तनने री तंवरी बणी आयो कृष्ण पुरार परणी दे रोणी रुखमणी दे गाई दे गुण धोनी तोड़ी जेत श्री बिलावल ने बिरवास भैरू राग की भैरवी पहुंचे पिया के साथ ये पहली बार आज ये डिस्कस निकला है ये एक वृक्ष है पेड़ समझ गया सुनते हो वृक्ष है इसके कुछ बच्चे भी हैं बच्चियां भी हैं सबको अपने अपने दिशाएं बांट दिए लंगा गुरु का उनका कुछ फर्क है ये तो हो गए तो हम लांगा गुरु लोग से पूछना चाहेंगे अभी जी आप इसमें से
आप बिनवास में, आप बिनवास सवेरे 4 बजे, 4 बजे आपका बिनवास। धनी आशा बेहतरीन एक बात लगी कि हम नंगे मंगे और जो भी डाक डाक के गाने हैं, पिछले कई सालों से मैं ना तो लोग पूछ रहे ना उनको निकाल रहे, कहीं पे कवाली गा के टाइम पास कर लेते, कहीं पे गजल गा के टाइम पास कर लेते, पर यहाँ पे जो 5 दिन का कार्यक्रम किया है हमें ऐसा लगा है ये हमारी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, अगर नहीं तो 20 साल बाद में हमें कोई नहीं पूछेगा। कार्यशाला 5 दिन रहा तो कार्यशाला में हमको बच्चा जन्म का पूछा तो उसमें हमारे कलाकार बुजुर्ग कलाकार थे, उसमें उनको जैसी उनके तय दिल से थी भावना उस तरीके से उसने बताया, आपने रुको किया। उसके बाद ब्याह के लिए मेहंदी लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, डोरा बनते हैं, उस दिन से क्या गाना बजाना वो पूरा करके शादी होने के बाद बरात चढ़ी, पाठ बैठा, ससुराल गया, कोड़े पर चढ़े, तोड़ बंदर तोड़िए गया, चौड़ी चढ़ा, उसके बाद बहुत अच्छा किया। उनका गाना भी है, उनकी कथा भी है, उनकी दुए भी है, उनके छंद भी है, सारा कुछ निकल के तो उसके जितने गीत हैं एक एक करके मतलब 30-31 तो गीत हो गए, उसके 15-20-25 जांगड़ा हो गए, उसका अरंगा हो गए, उसका डाडा हो गए, ऐसा कुछ निकल के हमारी ये जो दुनिया चल रही है इसकी एक बहुत बड़ी किताब बननी चाहिए और हमारे बच्चों को और पूरी वर्ल्ड में ये छपना चाहिए कि ऐसा भी एक लोक संगीत है जो परंपरा से चलता आ रहा है और उसी ढंग से आने वाली पीढ़ी भी उसको पढ़े और नई ओल्डेज भी पढ़े, वो हमसे भी मिले और ये हमारा चलता रहे। शास्त्रीय संगीत वाला भी राग है तो वो भी कुछ भी हमको नहीं याद है, मेरे को जो रागनी गाते हैं सुरू सौरठ मारू गुंड मलार धाने वो जो हमारे देश में वो बजा के गाए और वो सुनाते हैं, उनका पूरा आपने खाता लिया, ये हमको नई चीज़ देखी, ये मेरी जिंदगी में एक बार ये काम पूरा।